भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सिद्धार्थ लाइव। आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि IIT दिल्ली ने एक नया एमटेक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। वो प्रोग्राम क्या है, देखो, इन्होंने अपना नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी में क्या है, आपको पता होगा कि ऐसा ही सेम प्रोग्राम IIT गुवाहाटी के अंदर भी चल रहा है। स्मार्ट मोबिलिटी आपका ISC में चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपका IIT इंदौर में भी हो गया है लॉन्च, और स्मार्ट मोबिलिटी आपका IIT हैदराबाद में भी चल रहा है। तो ऐसे हर जगह पर ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ग्रोथ कर रहा है। तो पिछले साल क्या होता था, यहाँ पर एक ब्रांच होती थी जिसको बोला जाता था इंडस्ट्रियल ट्रैवलॉजी एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, उसको बदल के इन्होंने लास्ट ईयर इसको कार्ट बना दिया था, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्रैवलॉजी, जहां पर हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड, जहां पर हम लोग सरफेस से रिलेटेड स्टडीज किया करते थे। अब उसी के अंडर में एमटेक का नया ई मोबिलिटी प्रोग्राम आ गया। इससे पहले MS का कट ऑफ वगैरह भी रिलीज हो गया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कार्ट का एमटेक प्रोग्राम कब लॉन्च होगा, तो अब वो ई मोबिलिटी के रूप में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको IIT दिल्ली की मेन वेबसाइट से ही दिखाता हूँ आपको पूरी डिटेल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो IIT दिल्ली ने अपना नया PG प्रोग्राम लॉन्च किया है, एमटेक एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसको उन्होंने ऑफर्ड कर रहे हैं वो सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्रैवलॉजी कार्ट के अंदर। यहाँ पर क्या बोला है, आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेगाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मतलब इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके पास मतलब डिग्री होना चाहिए 4 ईयर का, आप अलाउड हो गए। इसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर इन्होंने सीट बनाई हुई है। एमटेक के लिए इन्होंने बोला है यहाँ पर आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ड्राइव ट्रेन चार्ज की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्टोरेज, बैटरी मैनेजमेंट वगैरह की यहाँ पर स्टडी होने वाली। इस बार देखिए कार्ट में MS का निकला हुआ है। MS में देखिए शॉर्ट टेस्टिंग क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने 650 जन मतलब डबल ई पेपर के लिए और 700 मैकेनिकल PI INCS के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर BTEC परसेंटेज रखा गया है यहाँ पर 60%। आप देख सकते हैं लास्ट 2020 में इसी ब्रांच को बोला जाता था इंडस्ट्रियल ट्रैवलॉजी एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसका जनरल कट ऑफ यहाँ पर 750 के अप्रॉक्सीमेट गया था। ठीक है, मतलब शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया इंटरव्यू के लिए रखा गया। आशा करता हूँ आप लोगों ने पूरा देखा होगा कि भाई उनके खुद की वेबसाइट में उन्होंने मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर मतलब खुद ही बताया है वहां पर कि ये ई मोबिलिटी ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि कब से इसका एडमिशन चालू होंगे, अगले साल से होंगे, इसी साल से होंगे, इंटरव्यू बेसिस पर होंगे, कैसे होंगे, इन्होंने ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये बात है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि जनरल भी इन ब्रांचेस का कट ऑफ में 750-800। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके ऊपर मैंने एक कार्ट के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है एमटेक का, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। वो कार्ट उसमें आपको पता चलेगा ब्रांच तो बहुत अच्छी है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी, प्लेसमेंट थोड़े से कम है। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स ही हमारा एक प्रेफरेंस होता है, तो आप इस चीज को जरूर देखिए, मैंने वो वीडियो बना के रखा है। और बहुत बहुत बधाइयां, जब इसके एडमिशन होंगे स्टार्ट तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग अपने जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी अगर अच्छी अपडेट लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें सिद्धार्थ लाइव सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।